सात बहन थी, लेकिन एक बहन मतलब छोटी उम्र में ही डेथ किया है। भाई अभी 2017 में डेथ किया है। और दीदी लोगों का सभी का शादी हुई है और भाई का भी शादी हुआ था। और अभी घर में बहू है और दो लड़का है और एक लड़की है। वो लोग अभी स्कूल में पढ़ाई करती है। और हम लोग जब हम छोटी थी तो उस टाइम उतना घर परिवार में उतना मतलब चहल पहल नहीं था। और हम जब 7 क्लास में पढ़ रही थी उसी टाइम ही मतलब मम्मी गुजर गई थी, नहीं थी। और पापा अकेले था और दीदी लोगों का सभी मतलब 4 दीदी का शादी हो गई थी और एक दीदी थी घर में। और हम ही लोग ही मतलब घर का जितना भी मतलब घर का समस्या हो जाए हर चीज़ में मतलब हम ही लोग को ही देखना पड़ता था। और हाँ, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 94 में हमने दिए थे। और परीक्षा में कुछ कारण है जो घर का समस्या के कारण ही मतलब परीक्षा में पास करने नहीं सके और फेल हो गई थी उस टाइम। और भाई का पढ़ाई चालू था और घर में थोड़ा से ऐसे बहुत ही समस्या था जो हमको पिताजी ने पढ़ाई करने के लिए और नहीं कर पाया। और हम जब हम लोग छोटी छोटी थी तो हम लोग उस टाइम का दिन में मतलब घर का हर काम करना पड़ता था, मतलब घर से लेके बाहर तक का, और जमीन मतलब खेती तक का काम भी मतलब देखना पड़ता था। और पिताजी थे, उन्होंने छोटा सा भूसी दुकान किया था। और उस दिन का टाइम में पिताजी ने पूरा गांव में 2 टोकरी में सब सामान भूसी सामान सब लेके घूमता था। सुबह में घूमता था सामान लेके चारों तरफ घूम घाम के फिर आएगा। आने के बाद में उन्होंने घर आने के बाद में 1 टोकरी लेगा, टोकरी लेके सीधा मतलब खेती जाएंगे। उधर से नहा के आएंगे और जितना भी रास्ता में गोबर उबर मिलता है उसको उठाते उठाते जाते थे पिताजी। और उसका बाद अपना खेती में डाल देता था वहाँ पर, फिर नहा धो के फिर आता था। और कभी बरसात का सीजन में पिताजी ने कोई भी पौधा मतलब कहीं से भी उठा के लाएगा और अपना ज़मीन में लगा देता था। और हम लोग भी उस टाइम पापा के साथ में जाते थे और पौधा उधा पापा को हम लोग देते थे लगाने के लिए। उन्होंने बोलता था लेके आओ बेटा, लेके आओ बेटा, तो हम लोग दोनों भाई बहन मिल के उनका साथ में हम लोग पौधा लगाने में सहयोग करते थे। और धूप का सीजन में जैसे कि 1 जनवरी में ऐसे बहुत सारे आदमी लोग मतलब पिकनिक करने जाता था तो पापा क्या करते थे, हम लोग को लेके जाता था जमीन तरफ में। वो नदी का किनारे में सब खेती होती है वहाँ पर, मतलब छोटा सा डेगची लेके जाते थे और दाल उल मतलब ले जाके वो खिचड़ी बना के हम लोग को खिलाता था और बोलता था हम लोग का पिकनिक यहीं पर हो रहा है। तो हम लोग उस टाइम बहुत खुश थे। और बस हम 5 किलोमीटर साइकिल में हम जाते थे जब गांव का स्कूल में 5 तक तो पढ़े, उसके बाद फिर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में 6 7 पढ़े और 5 6 किलोमीटर जाना पड़ता था 8 9 10 क्लास पढ़ने के लिए। उस टाइम का दिन में साइकिल में हम जाते थे, सेकेंड हैंड साइकिल पापा ने खरीद दिया था। और उस दिन का टाइम में मतलब बैग उतना यूज नहीं करते थे, मतलब पीछे में ही साइकिल में पीछे में टीहू में किताब को बांध के हम लोग लेके जाते थे। और मतलब ऐसे करके मतलब 10 क्लास तक तो हमने पढ़े थे। और उस दिन का दिन में स्कूल उस्कूल सामने नहीं था तो इसलिए दीदी लोग जो थी ना वो लोगों का पढ़ाई नहीं हुआ था। वो लोग 4 दीदी लोग मतलब पढ़ाई नहीं किया है और हम लोग 2 दीदी और एक भाई
पढ़ाई किए थे। उस टाइम का जमाना में सामने में स्कूल स्कूल नहीं था, बहुत दूर, और उसके बाद धीरे धीरे सामने में स्कूल हुआ जब हम लोग होने के बाद में, तो हम लोग पढ़ाई किए। और अभी सब दीदी लोग का शादी हुआ है आसपास उड़ीसा में ही, और बस वही पिताजी जब पौधा लगाते थे तो हम लोग को भी यूज करता था, बुलाता था वहाँ पर, तो हम लोग भी बहुत खुशी रहते थे। और हम लोग का वहाँ पर जितना भी मतलब एरिया है, मतलब ज़्यादा बड़ा बड़ा पत्थर है, एक पत्थर में एक पहाड़ बना हुआ है, और एक ही ठो पत्थर में बहुत बड़ा मेरा एक ठो पहाड़ बना है, और बड़ा बड़ा पत्थर ही है, मतलब ऐसे छोटा नहीं। और खाली मैदान नहीं है और खेती है, पेड़ पौधा का बहुत कमी है। और पापा का ज़मीन में वो पेड़ पौधा में पूरा भरा हुआ था, हम लोग को कहीं भी जाने का जरूरत नहीं रहता था। जो जैसे दूसरे आदमी लोग गांव से बाहर 20-30 किलोमीटर जाके लकड़ी लाना और साल का पत्ता लाना, मतलब वो लोगों के लिए था, लेकिन हम लोग कभी भी मतलब घर से लकड़ी उकड़ी लाने के लिए नहीं जाते थे, क्योंकि पापा का खेती में पूरा पेड़ पौधा में भरा हुआ है, उसका पत्ता हम लोग यूज़ करते थे, डाल यूज़ करते थे। और पापा बहुत अच्छा आदमी थे, उन्होंने कभी किसी का चोरी करने का मतलब उसको पसंद नहीं है। अगर हम लोग लकड़ी किसी कहीं से मतलब ढो के लेके आए तो पूछेगा, आप लोग इसको कहाँ मिला, किसी का चोरी तो नहीं किया? अगर चोरी अगर आप बोल दिए नहीं वहाँ से हम लोग लेके आए, तो बोलेगा जाओ जहाँ से लेके आई हो वहीं पर छोड़ दो। मतलब पापा वैसे थे, किसी का चोरी उरी का उनका पसंद नहीं करता था। और उन्होंने किसी से भी लड़ाई उड़ाई नहीं करते हैं, किसी से भी नहीं करते हैं लड़ाई उड़ाई, और किसी का साथ में वो मतलब कोई भी उसको कुछ भी अगर बोल दिया तो उन्होंने चुपचाप रहते हैं, बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब इसी तरह मतलब रहते थे पापा। और मम्मी तो हम लोग छोटी थी तो उसी टाइम 7 क्लास में पढ़ती थी, तो उसी टाइम ही उन्होंने गुजर गई थी, तो उतना मतलब वो भी बहुत अच्छी थी, वो भी किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती थी। और कुछ बेटी लोगों को भी शादी दे के गया था और हम लोग थे। और आज घर में उसे रहने के लिए वही बहू है और कोई नहीं है, बच्चा लोग हैं। बचपन से ही मेरा आदत जो है ना, थोड़ा से मतलब क्या बताएंगे, जैसे आज का दिन में मुझे यहाँ पर लेडी टर्जन का नाम दिया गया है, उसी टाइम उसी दिन से ही मेरा कोई भी काम में बहुत साहस रहता था। तो मतलब कहीं भी मतलब हम भिड़ जाते थे, कहीं भी कोई भी अगर कुछ लड़ाई झगड़ा के लिए अगर कोई करना चाहती तो हम लड़ाई लग जाते थे। शुरुआत से थोड़ा से ये चीज़ तो मेरा था। तो पढ़ाई उढ़ाई में थोड़ा से मतलब उतना पढ़ाई ठीक से नहीं करती थी और ज़्यादा बदमाशी करती थी। और शाम का टाइम में हम लोग खेलने जाते थे भाई का साथ में, तो शाम होने के बाद भी हम लोग आना नहीं चाहते घर, जल्दी में नहीं आते हैं, तो पिताजी क्या करते थे, वो जो दरवाज़ा का आड़ में चुपचाप बैठे रहेगा और एक ठू डांडा लेके रखेगा, और जैसे हम लोग घुसेंगे तो वो पैर में मतलब मारता था, तो गुस्सा करता था, बोलता था आप लोग अभी तक तो मतलब होश नहीं है, जो अभी तक तो आप लोग खेलिए रहे और पढ़ाई उढ़ाई करने का नहीं है क्या, तो ऐसे करके हम लोग को डांटता था पिताजी ने। और भाई का साथ भी मेरा लड़ाई होता था। और धूप का सीजन में एक बार तो हम सोए हैं घर में बरेंडा में और खटिया में, और भाई क्या किया ना, मतलब सूखा वाला मिर्चा वो कहाँ से ला के दिया, ला के और मेरा आँख में दे दिया, तो जैसे ही मेरा आँख खुली तो पूरा जलने लगा, पूरा जल रहा था, तो हम पूरा रोने लगे। तो उसके बाद रोने के बाद में दीदी थी, उन्होंने पूछा क्या किया क्या किया, तो बोला कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया, मेरा पूरा जल रहा आँख ठू। तो उसके बाद हमको मतलब पानी उनी दे के और बहुत लेट तक मतलब हम रोए और बहुत लेट तक जला मिर्चा ना, तो फिर मतलब बहुत लेट के बाद में हम साथ हुए। और इसी तरह भाई का साथ भी मतलब लड़ाई होता था। दीदी है जो थी, जो दीदी थी घर में, वो हम लोग को डांटते रहते थे। और जो दीदी जो थी ना, उनको भी जब 7 क्लास में पढ़ाई कर रही थी तो उस टाइम एक तो टीचर था तो वो बहुत मारते थे, तो दीदी डर से स्कूल नहीं जाती थी। और एक तो जो एक पत्थर में एक तो पहाड़ बना हुआ है ना, उसी का आड़ में
मतलब रहते थे, और स्कूल जब छुट्टी होती थी तो वो भी घर आने लगती थी। तो जो उनका जो क्लासमेट सब थी तो वो लोग पूछती थी, तुम तो स्कूल नहीं गए? तो रोज रोज झूठ बोलना तो मतलब नहीं ये होगा ना। तो एक रोज मतलब पता चला पापा को, तो उस टाइम ये पूरा नदी में पूरा पानी भरा था, और पापा को जो पता चला तो उसको पिटाई किया। पिटाई करने का बाद में इतना मतलब बड़ा नदी, बहुत बड़ा नदी, जो जैसे ये सब नदी नहीं है वैसे, और पूरा पानी ना पूरा भार के मतलब जा रहा था इसी बरसात का सीजन में ही। और वो जो दीदी जो मतलब इतना पानी में जो डर से वो पानी में मतलब पार करके एक बुआ का घर में चले गई। और मतलब एक ठू वो जो टीचर था ना वो बहुत मारता था, और उसका पास में जो भी पढ़ाई किया है वो बहुत अच्छा मार्क लाया है, फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन मतलब पास किया था। तो इसी तरह मतलब हम लोग घर में लड़ाई झगड़ा, और क्या बताएंगे, छोटी उम्र से ही हम लोग भाई अब बहुत कुछ काम किए हैं घर का। जैसे उस टाइम तो मशीन उसीन का बहुत कम था, जो ढेंकी नहीं होता है ढेंकी में ही मतलब चावल उल बना के और हम लोग खाए थे। ये सब हिस्ट्री हम लोग का था। और उसका बाद में क्या हुआ ना, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने का बाद में भाई को तो पढ़ाना होगा, तो हम लोग ना मतलब क्या बताएंगे, वो जो काम उम भी किया, दूसरा का घर में भी काम किए हैं, रेजा का काम किए हैं, और दूसरा का घर में जो भी काम सब होता है काम किए हैं। लेकिन पापा का तो खेती बाड़ी तो बहुत है, लेकिन करने वाला नहीं था, कौन करके देगा? करने वाला का तो ज़रूरी है ना, पापा भी उतना नहीं सकेंगे, और मुनीस उनीस नहीं मिलता है टाइम में, और मतलब बहुत दिक्कत था, पैसा वैसा के लिए बहुत दिक्कत था उस दिन का टाइम। वही तो हम जब 7 क्लास में पढ़े थे उसी टाइम से तो माता जी नहीं थे, इसीलिए तो हम लोग का ज़्यादातर दिक्कत हो गया ना, हम ही लोग का ऊपर में सब कुछ मतलब बोझ आ गया, दीदी का ऊपर में, मेरा ऊपर में, बहुत दिक्कत हुई है। देखिए मज़ेदार एक्सीडेंट बोलने से हम लोग का तो दुख ही दुख गया है भाई, है हाँ ना, मज़ा तो उतना ज़िंदगी में नहीं मिला है। और बस क्लास 8 में जब हम पढ़ रही थी तो उसी टाइम मतलब एक ठो दीदी बोली ना, जैसे हम लोग का देहात वहात में पहले का दिन में मतलब गांव घर से कोई भी अगर बच्चा लड़की लड़का अगर स्कूल जाती है तो हफ्ता में 2 दिन तो एबसेंट होगी, मतलब 4 दिन जाएगी तो 2 दिन मतलब एबसेंट होगी कुछ ना कुछ कारण से। तो हम मेरा ज़्यादातर मतलब हफ्ता में 2 दिन 3 दिन हम नहीं जाते थे, एबसेंट होता था। तो एक ठो साइंस ली थी एक ठो टीचर, तो उन्होंने आके बोली जो स्कूल नहीं आएगी तो उसको 2 रुपया करके देना होगा फाइन। तो हम बोले, हम अचानक खड़ी हो गया, इतना स्टूडेंट था वहाँ पर कोई कुछ नहीं बोल रही, और हम अचानक खड़ी होकर हम बोले, दीदी अगर हम लोग 2 रुपया करके देंगे, अगर आप लोग नहीं आइएगा तो आपको तो 10 रुपया देना होगा, हम उनका ऊपर में बोल दिए। तो फिर दूसरा दिन आई और साइंस ली थी, उन्होंने जैसे ही उसे हमको खड़ी कर दिया, बोला इसका मतलब क्या, एक ठो क्वेश्चन किया और तो उसका उत्तर हमको देने के लिए बोली, तो हम दे दिए, उसके बाद कुछ नहीं बोली। तो इस वजह से बहुत मतलब कुछ कुछ है, और ऐसे मजेदार बोलने से गांव घर में उसका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने का बाद तो हम तो रजा का कुली का भी काम किए हैं, ये सब चीज़ है। सब्जी का खेती होता था, सही में सब्जी का खेती होता था उस टाइम हम लोग का। उधर तो कोई कुछ मतलब ज़्यादा दूर जाना होगा रजा कुली का काम करने के लिए, उस टाइम हम 8 9 में पढ़ते थे तो सब्जी उब्जी का खेती होता था। तो हम लोग सब्जी को बड़ा बड़ा ये बांस का जो ठेकाव का नहीं मिलता है उसी में भार के हम लोग कम से कम 8 9 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल में हम लोग जाते थे, माथा में मुंडी में ढो करके लेके गए हैं टमाटर बैगून और मार्केट में बेचने के लिए।
और रायरमपुर है ना, मतलब पूरा गांव का लेडीज जेंट्स जो खेती करता है वो सब हम लोग मिल के, वो लोग भी अपना अपना लेके जाएगा और बेचेगा, फिर रात को फिर लौट के आते हैं। उसके बाद जो चावल धान धान वाला चावल उसको भी मतलब उस टाइम मशीन नहीं था, और हम लोग ढेकी में पीस के पिसा के मतलब लेके जाते हैं मतलब बेचने के लिए। सामने सामने में हाट उठ होता था, उस सब जगह में भी हम लोग बेचे हैं। सब्जी तो हम लोग का अपना खेती का सब्जी हम लोग बेचते थे, कहीं खरीद के नहीं लाते थे। खेती में सब्जी उगता था और वहीं से हम लोग लेके जाते थे। और उस टाइम का दिन में भाई हम लोगों का खाने उने के लिए क्या गांव देहात में आप समझ रहे हैं ना, उस टाइम उतना वैरायटी खाने का नहीं था। और हम लोग पिताजी का जो दुकान था ना, वो शुक्रवार को हाट होता है ये में रामपुर में, तो वहीं से अपना सामान लेके जाता था। और हम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए गुलगुला पकौड़ी मालपुआ ये सब लेके मतलब हफ्ता में लेके जाते थे। और एक तो नदी है खोड़काय बोल के, और नदी तो हम लोग दोनों भाई बहन जाके वहाँ पर बैठते थे, और पापा आएंगे उसके बाद हम लोग को खाने के लिए ला के देगा। और मतलब वैसे खाने उने के लिए भी मतलब सामने तो बाजार उजार भी नहीं है, तो उतना खाना मतलब कुछ ऐसे वैरायटी खाने का भी हम लोग नहीं खा, सिंगाड़ा चोप ये सब थोड़ा बहुत जिलापी उस दिन का दिन में हम लोग खाए हैं। डेथ 98 मेरा शादी होने के बाद में हुआ है। भाई से ना बहुत ही लगाव था, माता पिता मतलब जो चीज उनको नहीं दिया था ना हम लोग दिए थे। तो थोड़ा भाई का बात बोलने से थोड़ा सा दुख लगता है भाई, भाई जो था ना भाई था मतलब हम लोग का बहुत ही मतलब देखने में आपका जैसे ही चेहरा था, और हाइट भी आपका उतना ही होगा, ज़्यादा हाइट भी नहीं था है ना, और चेहरा उरा नाक उक जो आपका जैसे है ना उसी टाइप में ही था उनका भी, और मतलब बहुत लगाव था और हर चीज़ में मतलब उनका। तो जब वो तो हम जब 7th क्लास में पढ़ रहे थे उसे 5th क्लास में पढ़ रहा था, और उसी टाइम मम्मी नहीं थी, तो हर चीज़ हम ही लोग सब कुछ किए हैं उनका, पढ़ाई से लेके उनका मतलब सब कुछ साठ उठ सब हम ही लोग खरीद के देते थे उनको। और मतलब बहुत लगाव था भाई, वो हम लोगों को जैसे हमसे तो क्या बताएंगे, हमसे तो मतलब उनका बहुत ही लगाव था। हम ही वो जो जब 8, 9, 10 में जो पढ़ता था ना, विषय बोल के एक तो जगह है उड़ीसा में ही बारीपदा और रायरमपुर का बीच में एक तो जगह है विषय बोल के, तो 8, 9, 10 में उसी जगह में पढ़ता था, तो हम ही जाते थे वहाँ पर पैसा पहुँचाने के लिए, बिस्कुट कुछ भी सामान वामान सब हम ही पहुँचाते थे। और वो हमसे उनका बहुत लगाव था, कुछ भी होगा तो बस दीदी को, हम ही को ज़्यादा जानता था वो। और ये जो शादी होने के बाद भी, जो मेरा शादी होने के बाद भी कोई भी चीज़ हम ही को ही खोजता था, और अब जितना दिन था वो हर चीज़ हम खरीद के देते थे उनको, तो उनको मतलब कोई दिक्कत नहीं होता था। जो भाई मेरा माँ पापा नहीं रहने से भी दीदी लोग तो है, तो ये जो डेथ किया ना उसका पहले भी बहू है ना अभी, वो बोल रहा है उनको, बोल रही है उनको जो आपका तो इतना तबीयत खराब हो रहा है और आपका अगर कुछ हो जाएगा तो मतलब हम लोग तो बेसहारा हो जाएंगे। तो उस टाइम भाई तो बोला आप चिंता क्यों करती हो, मेरा कुछ भी नहीं होगा, और अगर हाँ मेरा कुछ भी हो जाएगा तो दीदी लोग है ना
आपको चिंता करने का नहीं है, वैसे वो बोलता था। बहुत बोलती थी बच्चा लोगों को कैसे पढ़ाएंगे और कैसे बड़ा करेंगे, मतलब उनका बहू का वो सब चिंता था और भाई का वो सब चिंता नहीं था। बोलता था आप चिंता मत करो, दीदी लोग हैं और आप सब कुछ कर देंगे। तो कोई भी मतलब कभी भी कुछ भी होता तो खाली हम ही को ज़्यादा खोजता था। तो उसका बहुत दिन तक तो तबीयत खराब हो गया और हम ही लोग सब कुछ किए उनका देखभाल करने के लिए। डॉक्टर वॉक्टर को दिखाए थे, लेकिन जिसका नसीब मतलब अपना अपना रहता है भाई, मतलब बहुत ही मतलब अपना जान से भी मतलब ज़्यादा प्यार करते थे उनसे। मतलब दीदी लोग जो थी ना, उन लोगों का तो शादी हो गया, पहले चला गया है ना, और हम लोग तो रह गया, तो इसीलिए शायद वो मतलब मैट्रिक ये जो ITI किया था, अप्रेंटिस किया था, और उनको नौकरी भी मिला था लेकिन नौकरी नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं हम नौकरी नहीं करेंगे, पापा का जो इतना संपत्ति है हम मतलब खेती बाड़ी करके खाएंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं भी। बहुत ही लगाव था, उन्होंने कहा जो हम नौकरी वोकरी नहीं करेंगे, हम बस पापा का एक ठो बेटा है और हम घर छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगे। तो नौकरी वोकरी नहीं करने, तो उनको नौकरी मिला था, अप्रेंटिस भी कंप्लीट किया था ना, तो नौकरी उनको मिला था लेकिन नहीं किया। पहले तो गांव का स्कूल में पढ़ाई करती थी और वहां पर गांव का स्कूल में 5 क्लास तक था। उसके बाद फिर 2-3 किलोमीटर दूर तो स्कूल फिर जाती थी 6-7 क्लास पढ़ने के लिए। वो मतलब मोहिस कोदर गांव का नाम था, और वो जब 6-7 से फिर निकल के जामदा हाई स्कूल बोल के जगह है, और वो प्राइवेट स्कूल था और किसी स्कूल ने उसको लिया था, लेकिन प्राइवेट था, उस टाइम सरकारी नहीं हुई थी। तो वही स्कूल जाते थे अकेले ही, और मेरा गांव का गांव से कोई नहीं जाती थी, हम अकेले जाती थी, और कभी कभी हम पैदल में भी, हम शुरुआत में पैदल में गए थे स्कूल, 5 किलोमीटर पैदल में स्कूल हम जाते थे। उसके बाद कुछ दिन का बाद में पापा ने सेकेंड हैंड साइकिल खरीद के दिया, और उस टाइम का दिन में आपको तो हम बताए जो साइकिल का पीछे में किताब हम बांधते थे ट्यूब से, ट्यूब देखे हैं ना, ट्यूब से हम बांध के हम जाते थे स्कूल। सुबह में निकलते थे 8:30-9 बजे और शाम को फिर 4 बजे स्कूल छुट्टी होके दुकान सब है सिंगड़ा 2 ठो खरीद के लेते हैं, और फिर हम मतलब घर आते थे। और घर गांव आने का टाइम में और गांव से बाहर में सब्जी उब्जी उगता था, तो बड़ा बड़ा टमाटर फलता था, मतलब हम 2-4 ठो लेके घर आते थे और उसको आग में जला के, और मछली होता है ना, मछली सूखा वाला मछली भी मतलब हम लोग खाते थे, तो उसका साथ में छान के और हम मतलब भात खाते थे, राइस का खाते थे। और स्कूल का टाइम में क्या बताएंगे, मतलब बहुत मेहनत, सुबह में उठ के जाना पड़ता है, फिर शाम को लौटना, और आके घर में भी मतलब बैठना, पापा जब नहीं रहते थे दुकान में भी बैठते थे, दुकान में भी मतलब देना पड़ता था। और भाई तो 7 क्लास का बाद में उन्होंने फिर बिसोई बोल के एक जगह है वहाँ पर पढ़ने चला गया, 8, 9, 10 वहीं पढ़ा, फिर बारीपदा में उन्होंने कॉलेज से पढ़ाई की किया था, और बारीपदा में ही भाई ITI भी किया था, अप्रेंटिस भी वहीं पर किया था। और हम लोग का मतलब 2 भाई बहन थे, और दीदी जो थी ना वो घर का ज़्यादातर घर का काम वो संभालती थी। मतलब 4 दीदी का शादी हो गई थी और 2 एक दीदी घर में थी,
और वो एक दीदी और मैं, हम लोग दोनों मिलके, हम भी पढ़ाई कर रही थी तो वो दीदी ही ज़्यादातर मतलब काम को संभालती थी, और वही मतलब मम्मी पापा का भी मतलब काम में थी। और एक तो बुआ थी हम लोग का, वो बुआ भी मतलब उम्रदार हो गई थी, तो घर रूर में वो रहती थी, मतलब कुछ काम उम नहीं करती थी। और मतलब मम्मी जाने के बाद में मतलब हम लोग का ऊपर में सब कुछ बोझ आ गया था। देखिए पैसा के बारे में बोलने से तो पैसा से तो मतलब हम लोग का कमी था भाई, है ना, हम लोग का पैसा ऐसा कहले बहुत कमी था। हम लोग अभी जैसे हम लोग महीना में 2 महीना में कपड़ा उपड़ा खरीद के पहन रहे हैं, उस दिन का दिन में हम लोग छोटे थे, खेती बाड़ी तो था लेकिन पैसा का बहुत अभाव था। मतलब साल में 2 ठू ड्रेस खरीद के देता था पापा। हाँ मतलब पर्व उर्व में भी मतलब हम लोग को कपड़ों पर नहीं मिलता था। साल में 1 ठू मकर पर्व रहता है, उस टाइम हम लोग का कपड़ा होता था, और 1 ठू मतलब ये जो जून महीना में 1 ठू पर्व होता है उसी टाइम में ड्रेस व्रेस मिलता था, और बाद बाकी स्कूल ड्रेस 1-2 ठू रहता था बस। खाने पीने में हम लोग के पास राइस ही था, सब्जी, और उससे अलावा ऐसे कुछ नहीं। हम लोग वहाँ का जो आदमी सब ना ज़्यादा और राइस ही खाता है, रोटी वोटी खाने का तो मन करने से भी उतना कहाँ मिलेगा, रोटी कहाँ से आप लइएगा। उस दिन मतलब रोटी वोटी भी उतना हम लोग नहीं खाते थे, और हम लोग का हैबिट था जो ज़्यादातर राइस ही खाते थे, राइस का ही। और सब्जी तो कोई दिक्कत नहीं था, मतलब सब्जी उगता था तो मतलब हरा सब्जी का कमी नहीं था। लड़ाई तो मतलब हम लोग कभी उतना नहीं करते हैं, लेकिन वो जो चोरी उरी थोड़ा सा करते थे, किसी का भी हम कुछ भी चोरी करके लेते थे। मतलब किसी के घर में घुसे तो किसी का पीढ़ा उड़ा, कोई भी चीज़ मतलब चोरी करते थे, ये सब हम करती थी। तो इसके लिए हमको पापा ना मतलब पिटाई करते थे, बदमाश थोड़ा से थी। और किसी का अगर खेती में अगर कुछ सब्जी उब्जी अच्छा मतलब उगा है तो उस पर थोड़ा बहुत चोरी उरी करते थे, चुपके 1-2 ठू मतलब ले लिए और बैग में घुसा लिए और लेके चले गए। लेकिन पापा को चोरी करने का मतलब एक थोड़ा सा भी पसंद नहीं था भाई, वो अगर उसको अगर जानकारी हो गया तो उन्होंने बोलेगा जहाँ से लेके आई हो वहीं पर पहुँचाओ। उसके बाद 1 ठू दीदी गांव में ही शादी हुई है, और उन्होंने वो लाभ मैरिज करके शादी की थी, तो जब लाभ मैरिज करके शादी की थी तो पापा उनको पसंद नहीं है, उस घर में पापा को पसंद नहीं है। जमीन जगह सब कुछ है लेकिन वो लोग का घर में मतलब वो लोग टेकता नहीं है, मतलब बुखार होके डेथ हो जाता है वो लोग का घर में जल्दी में। हाँ तो इसलिए दीदी को वहाँ पर मतलब पसंद नहीं करता था जो भाई वहाँ पर आप शादी हो। तो जब शादी हो गया वो मतलब फिर दीदी नहीं मानी, वहीं रहने लगी। तो वो जीजा का साथ में बहुत सब्जी उब्जी उगाता था, तो कोई भी चीज़ अगर देगा ना दीदी, भेज देगी ना किसी के हाथ में सब्जी उब्जी, तो पापा क्या करते थे, और जो बैल सब रहता है ना घर में बकरी उखरी, सब्जी को फेंक देता था, नहीं खाता था। मतलब सोचता था जो अपना मर्जी से शादी किए हैं और वैसे घर में जिस घर में हम लोग को पसंद नहीं है, तो इसीलिए नहीं खाता था। नहीं देखिए भाई मतलब जब आपका मतलब टाइम रहने से तो बहुत सारा लड़का आता है शादी करने के लिए, आश्वासन देता है और बात भी बोलता है, लेकिन हम लोग का जो थोड़ा सा समस्या वगैरह था ना, तो इसीलिए क्या बताएंगे, तो मतलब शादी उदी के लिए उतना खास नहीं थे, और पैसा ऐसा का कमी था तो हम ही लोग को सब कुछ करना पड़ता था, तो इसीलिए हम लोग मतलब उतना शादी उदी के चक्कर में उतना जल्दी नहीं गए थे। हाँ तो मतलब बहुत दिन के बाद में मेरा जो बड़ा पापा था ना, उन्होंने उनको लेके आया घर में, उनका घर में लाया, और मतलब सब कुछ उन्हीं का घर से हुआ, बड़ा पापा का घर से। उसके बाद धीरे धीरे कितना दिन गुस्सा करेगा, उसके बाद धीरे धीरे पापा भी शांत हो गया, उसके बाद पापा भी अपना घर लेके आया। पापा बहुत गुस्सा थे, मतलब हम लोग का अगर हम लोग अगर कुछ भी गलत करें तो उन बहुत गुस्सा थे, और वो जो मतलब कुछ भी अगर बोलने जाएगा ना तो बहुत लंबा दूर तक मतलब उसका आवाज़ जाता है, और इसीलिए हम लोग डरते थे पापा से, बहुत डरते थे पापा से। और दीदी जब शादी किया मतलब लव मैरिज किया था
तो हम लोग का घर से मतलब घर घर का बगल से पानी लेने जाती थी। तो मेरा जो बड़ी दीदी है ना वो मतलब गांव से 5 किलोमीटर दूरी में शादी हुई है, तो वो भी उस टाइम घर में आई थी। और हम बहुत रोते थे और हम रात को ना उन्हीं का साथ में हम सोती थी। तो दीदी बोलती थी जो चलो तुम उसका घर में मत रहना और तुम चलो घर चलो। और हम जोर जोर से रोते थे जो हम किसका साथ सोएंगे, हम किसका साथ सोएंगे बोल के हम रोती थी। और उसको घसीट घसीट के मतलब एक दो बार लेके आया था लेकिन वो नहीं रही उस मतलब फिर उसी का साथ में ही चला गया। और अभी उनका मतलब बच्चा उच्चा हो गया, उसके बाद मैं बस पापा साथ हो गया, तो पहले साथ नहीं हुआ था। दो ठू लड़का था, एक ठू लड़की। और उनका भी मतलब क्या बताऊँ, बड़ा वाला लड़का है और छोटा वाला लड़का ना भाई, मतलब नौकरी मिला था उनको और तबीयत तो उनका खराब हो गया। और वो भी एक मेरा पास में 6 महीने जैसे था। और उनका मतलब ब्लड कैंसर, लास्ट में जब उनका डेथ होने का टाइम आया तो उसी टाइम उनका ब्लड कैंसर मिला। पहले कुछ भी नहीं मिल रहा। और देखिए जहाँ से नौकरी करता था वहाँ से अच्छा अच्छा डॉक्टर को दिखाया, बहुत पैसा वैसा खर्चा किया, कलकत्ता में था, लेकिन बावजूद भी मतलब ठीक नहीं हुआ। और जब मरने का टाइम आया उस टाइम उनको ब्लड कैंसर मिला। अब जानते हैं मेरा ही घर में मतलब 6 महीना, 4 महीना, 6 महीना था जब उनका तबीयत खराब था। माता जी का उस टाइम में मतलब वो पापा का ऊपर में वो कुछ भी बोलती नहीं थी। मम्मी जो थी ना तो वो पापा के ऊपर में कुछ नहीं बोलती थी, पापा का बात में ही उसको चलना पड़ता था, उसका ऊपर में आवाज़ नहीं करती थी। 87-88 साल का शायद होगा, शायद वैसे लग रहा, 88-87-88, और बहुत दिन का बात है, अभी का बात नहीं है, उतना दिन का बात है। बचपन का बात में बोलने से हम लोग का गांव का पीछे में छोटा सा नदी टाइप का है, सामने में बड़ा नदी है और पीछे में छोटा नदी, छोटा नदी मतलब ज़्यादा छोटा नहीं है, मतलब चौड़ा ही होगा यहाँ से उतना चौड़ा, ये जो बाजार से इतना चौड़ा मतलब नदी रहा, नदी है तो उसमें बरसात का सीजन में बहुत पानी भरता है। तो हम लोग एक बार पानी मतलब कम था तो उस टाइम हम लोग पार हो गया था। पार होने के बाद में बहुत वर्षा हुआ, पानी गिरा और हम लोग कुछ छतों तो कुछ मतलब मशरूम मशरूम कुछ लाने के लिए उस पार हम लोग गए थे। और जब पूरा पूरा पानी भर गया ना तो हम लोग जब लौट रहे थे पूरा पानी में हम लोग को बहा दिया था, मतलब कुछ दूर तक तो हम लोग को बहा के लेके चला गया था। और हम लोग वहाँ से भी निकल के दोस्ती यारी में और निकल के मतलब हम लोग घर आते थे। और इसलिए आज का दिन में भी पानी उने के लिए उतना हमको डर नहीं लगता है, कहीं भी अगर नदी उदी में भी अगर मतलब ज़्यादा पानी में भी मतलब डर नहीं लगता है, घुस जाते हैं। और ज़िंदगी में सब कुछ काम किए हैं, मतलब जो लकड़ी भी ढोए हैं और खेती में भी काम किए हैं, मतलब कोई भी चीज़ मतलब बाकी नहीं रहा है ज़िंदगी में, हर चीज़ काम किए हैं। टीचर उचर से झगड़ा उगड़ा तो नहीं किए, बस मतलब जब गांव का स्कूल में पढ़ते थे तो उस टाइम एक ठू टीचर था ना वो हमको बहुत मारता था, मतलब पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोरी थी तो वो हमको बहुत मारता था। और लड़ाई झगड़ा नहीं किए हैं शुरुआत मतलब बचपन में उतना। और क्लास 8 में या 9 में हम उस टाइम पढ़ रहे थे, उसी टाइम ही हम मतलब जो एक ठू मैम को हम बोल दिए थे, वो बोल रही है जो आने का साथ साथ में बोल रही थी जो स्कूल नागा करेगी, एबसेंट करेगी, उनको मतलब 2 रुपया करके देना होगा। उस दिन का 2 रुपया बहुत पैसा था। तो हम बोला दीदी अगर हम लोग 2 रुपया करके देंगे ठीक है, तो आप तो 10 रुपया दीजिएगा। तो वही सब ही मतलब मम्मू का ऊपर में हम बोल देते थे। और कहीं स्कूल से मतलब कहीं ले जाने के लिए जो लेके जाता है ना, तो उसका भी पैसा नहीं रहता था जो हम लोग कहीं जाए घूमने के लिए स्कूल से,
कुछ ना पैसा तो देना पड़ता है ना, तो मतलब नहीं जाते थे उतना। हर साल में बहुत सारा बच्चा लोग जाता है स्कूल से, टीचर लोग लेके जाता है, लेकिन हम लोग उस सब को भी जाने नहीं सकते थे। हाँ, मेला पहले छोटी में उतना नहीं जाते थे मेला, और हम लोग का मकर का बाद में एक मेला होता है स्पोर्ट टाइप का, तो घूमर बोल के जगह है, उस स्पोर्ट होता है, और वहाँ पर दौड़ का 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, मतलब इस सब में हम रेस लगाते हैं। लेकिन हमको बहुत बार हम प्राइज़ भी लेके आए हैं। उस सब में थोड़ा सीनियर थी, और जब 7 क्लास में शायद हम उस टाइम पढ़ रही थी, और स्कूल से ही मतलब 200 मीटर का दौड़ था, तो एक ठो लड़की थी ना, वो बहुत मतलब सीनियर थी, बहुत दौड़ती थी, मतलब ये क्या बताएंगे, मतलब बुलेट जैसे। तो भगवान जाने, मैं उसको भी हम फेल कर दिया, और फर्स्ट प्राइज हम लेके आए थे, और हम उतना दौड़ नहीं सकते थे। वो हम लोग का क्लास का स्कूल का मतलब वही मतलब रेस में रहती थी, और उस टाइम हम फर्स्ट प्राइज लेके आए थे पढ़ने का टाइम। हाँ, वो मतलब पढ़ाई उड़ाई में तो कमजोरी हम थे, लेकिन कुछ कुछ में खुश होते हैं पापा भी, और कभी कभी जो बदमाशी करते हैं तो हम लोग को मतलब बहुत बड़ा तो मतलब हम लोग पिटाई खाए हैं। ये जो भी शाम का टाइम में कहीं भी खेलने जाएंगे तो शाम होने से भी हम लोग का ख्याल नहीं रहता जो शाम हो रहा है, तो दरवाजे के सामने में बैठे रहेगा, और जब आइए अब हम मतलब आते हैं तो पैर में डंडा लेके पीटता था। हम लोग मार भी खाए हैं पापा से, गोली उली खेलते थे, गोली खेल नहीं होता है अभी, हम उसको भूल गए गोली खेलने के लिए। उसके बाद ये जो खपरा मतलब कम से कम इतना ऊंचा करके रखते थे और बॉल में उसको फेंकते थे, वो भी खेल मतलब हम लोग खेलते थे। क्या खेल बोलता है उनको, उस सब हम लोग बहुत खेलते थे। पेड़ जो है ना, शुरुआत से ही हम बहुत चढ़ते थे। हम लोग का जो जामुन नहीं होता है, जामुन का पेड़ बहुत जंगल में है, मतलब पहाड़ जो है, पहाड़ है, बड़ा बड़ा पत्थर है, लेकिन जामुन का पेड़ ज़्यादातर है, और उस सब में मतलब जामुन पेड़ उड़ में हम बहुत चढ़ते थे, पत्थर उत्थर में भी हम बहुत चढ़ते थे। और एक ठो जो एक ठो पहाड़ में एक ठो पत्थर में एक ठो पहाड़ बना हुआ ना, बहुत तिरछा है, और उस अभी हम जाते थे जाते हैं ना तो देखते हैं उस जगह को, जो इसी जगह में हमने एक दिन उठे थे, मतलब बहुत ऐसे सीधा है अभी, मतलब पाँव कांपेगा जो ऐसे वैसे जगह में हम उठते थे। बहुत ऐसे स्लोपिंग है और बहुत हाइट है पहाड़, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत ऊंचा उस जगह सब में हम मतलब उस टाइम हम उठे थे। ये सब चीज़ ना मतलब अभी अगर आप देखिएगा बोलेगा इसी जगह में आप चढ़े थे, डर लगेगा, बहुत ऐसे सीधा है, और एक ठो पत्थर में ही एक ठो पहाड़ है। एक बात बताएंगे भाई, हम लोग ना, हम लोग का गांव में सहेली तो था गांव में, लेकिन ओलोंथा से बहुत बड़ा घर का था, तो उतना हम लोग को मतलब खास दोस्ती नहीं करते थे। ओलोंग थोड़ा से कटा कटा रहता था, ओलोंग का भी मतलब प्रधान घर का ओलोंग, मतलब पैसा वैसा में भी ओलोंग का था, और आपका खेती उती तो रहता था ओलोंग का घर में, बहुत सारा मुनिस उनिस काम करता था, कामिन उमिन काम करता था, कम से कम मतलब ये जो बरसात का सीजन में जो रुआ हुआ होता है ना, तो कम से कम 50 ठू 60 ठू 70 ठू उतना मतलब काम करने वाली रहती है। तो वो लोग मतलब थी, लेकिन उतना खास दोस्ती में नहीं थी, वो लोग को थोड़ा सा काटा काटा वो लोग रहती थी, ऐसे बात तो सब कुछ होती है, लेकिन मतलब काटा काटा रहती थी। और मेरा सहेली बोलने से जहाँ पर मेरा हम क्लास करते थे 8, 9, 10 में, उसी जगह में मतलब एक दो ठो सहेली थी, और बहुत अच्छा मतलब दोस्त थी, और एक ठो जिसका साथ हम मतलब खास हम थे, तो वो एक ठो डेथ किया अभी नहीं है, और एक ठो राउरकेला में उनका शादी हुई है, वो भी बड़ा घर की बेटी है, खाली हम ही थोड़ा से ये हैं, और वो लोग सुंदर सुंदर था ना, हम लोग का कास्ट में मतलब सभी का कास्ट में ही है, लेकिन हम लोग का कास्ट में जो सुंदर होती है उन्हीं का ही मतलब बहुत तामझाम से शादी होती है, और जो सुंदर नहीं होती है उनको उतना कोई मतलब ख्याल नहीं करता है, तो इसीलिए वो लोग का तामझाम से शादी हो के अभी मतलब टाउन में रहती है, नौकरी करता है हस्बैंड लोग, यही सब है।
तो जो सब दीदी का ही मतलब ये है शादी दिए है, वो गांव में जो लव मैरिज के वो दीदी का शादी नहीं हुआ अपने से किया है, और जो दीदी थी वो भी मतलब उतना बड़ा शादी से नहीं हुआ है, और जो बड़ी वाली दीदी लोग का भी उतना बड़ा बड़ा शादी नहीं हुआ है, मतलब ऐसे देखा सुना सब कुछ करके हुआ है शादी। हाँ उन्होंने लव मैरिज में नहीं किए हैं, मतलब देखा सुना करके, जैसे हम लोग का कास्ट में होता है ना भाई, आपका लड़की को हम लोग देखे, हम लोग बहू बनाना चाहते हैं तो उनको लेके आया, उसके बाद ससुराल में उसको सिंदरा दान सब कुछ मतलब कर देगा पांच का सामने में, और पार्टी उटी आपको जो देने का होगा उस टाइम आप दीजिएगा, इसी टाइप में होता है। मम्मी पापा मम्मी डेथ होने के बाद में हम ही लोग का ऊपर में सब कुछ बोझ आ गया ना, मतलब मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जैसे दिए वैसे हमने देने के बाद में, जैसे मेरा रिजल्ट निकला जो हम पास नहीं किए, तो उसके बाद में हमने काम करने निकले भाई को पढ़ाने का चक्कर में, तो इसीलिए मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा हिस्ट्री, मतलब वो जो 10 क्लास तक को घर में थे तो बस उसी टाइम ही, मतलब जितना भी मेहनत उहनत जो कुछ भी हुआ है उसी टाइम तक का ही है। और हम ना भाई आपको क्या बताएंगे, जो दीदी का जो लड़का वो नौकरी मिला उनको, एक साल नौकरी किया, 18 साल में उनको नौकरी मिला था, एक साल 1.5 साल नौकरी में था, और उनका तबीयत खराब हो गया, और मतलब इस समय घाव होने लगा, कुछ बीमार नहीं है, डॉक्टर कोई भी चीज़ उनको खोज के नहीं मिला, कलकत्ता जैसे हॉस्पिटल में मतलब था बहुत दिन, तो कुछ भी नहीं मिला, फिर हम उनको अपना घर लेके आया तो यहाँ पर रखा, मतलब डॉक्टर को बहुत डॉक्टर दिखे, उसका तो पैसा का कमी नहीं था, पैसा में हम लोग खर्चा किए थे, उनका बहुत पैसा था तो उन खर्चा किए थे, तो मतलब उनका मेरा आँख का सामने में डेथ, 14 में ना 15 में लड़का टू डेथ किया, 2 साल का बाद में पहले भाई डेथ किया, उसके बाद जीजा भी डेथ किया, उस एरिया का जो आदमी का ना कसौभी का किडनी ही खराब हो रहा है, किडनी ही प्रॉब्लम हो रहा है, जीजा का भी किडनी प्रॉब्लम हो गया, भाई का भी किडनी प्रॉब्लम हैगा हो गया, खान पान का प्रॉब्लम है या क्या चीज़ का प्रॉब्लम है, मतलब खाने का तो देखिए जो आदमी सब आदमी खाता है तो वही ना सब सब आदमी खाता है, मतलब ज़्यादातर तो राइस ही चलता है उस एरिया में, और भाई तो थोड़ा बहुत हड़िया उड़िया पी लेता था, लेकिन जीजा तो ना हड़िया ना दारू ना कुछ कुछ नहीं खाता था, और मतलब वो कुछ दिन में ही उनका किडनी भी खराब हो गया, और वो मतलब काम भी नहीं किया, दवाई फवाई भी काम नहीं किया, और उस जो गांव है ना भाई, मतलब क्या बताएंगे, जितना आदमी पहले था ना अभी उसी गांव का आदमी, मतलब सब सब घर का किसी मतलब आदमी लोग डेथ किया है, मतलब आदमी ज़्यादा नहीं है, और ये जो एक महिला समिति था गांव में, तो एक अध्यक्ष थी और आंगनबाड़ी सेविका थी ना वो सचिव थी, तो वो लोग मतलब पैसा वैसा जो भी सरकारी से मिलता था मतलब वही लोग का पास में सब कुछ रहता था, और वो लोग निकाल के सब खर्चा किया, खर्चा करने के बाद में फिर ये लोग को पैसा भरने के लिए बोल रहा था जो बाद बाकी समिति का महिला लोग थी, तो ये लोग बोल रहे देखिए आप ही लोग का पास में पैसा आप लोग खर्चा किया और फिर हम लोग क्यों भरने जाएंगे, तो उसके लिए वो लोगों का मतलब लड़ाई हो गया था पूरा, सब महिला एक तरफ और वो लोग दो एक तरफ, और वो लोग बहुत बड़ा गुनी भी है, मतलब डाहिन है, आप लोग ये सब नहीं मानते हैं लेकिन हम लोग मानते हैं भाई, और जो जो मेरा जो बड़ा भाई का जो लड़का था, मेरा बड़ा पापा का जो नाती था, जो उसका जो बड़ा पापा का लड़का मेरा भाई बड़ा भाई और उनका लड़का, वो बहुत बड़ा गुनी है, वो अगर बोलेगा ना जो इसको हम 1 हफ्ता के अंदर में मार देंगे तो 1 हफ्ता के अंदर में उसको मार देगा, तो भाई मतलब जितना भी समिति का साथ में महिलाओं का पति पत्नी सबका साथ में लड़ाई हो गया था ना, तो जितना भी 10-12 था ना सब पति डेथ किया, सबका पति डेथ हो गया, डेथ होने के बाद में भाई जब तबीयत खराब हो गया तो वो गुनी जानता है, वो तो सब कुछ जानता है, तो हम लोग वो बोला जो हम देखेंगे चाचा लगेगा तो हम देखेंगे चाचा को, तो हम लोग उनका घर में रखे कुछ दिन, तो मेरा भाई बोल रहा है जो आप उसका घर में हमको मात लेके जाइए क्योंकि उसका साथ में झगड़ा हुआ है,
इसलिए उसका घर नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग नहीं माने, हम लोग बोले घर का बात है, लड़ाई झगड़ा तो होते रहता है, लेकिन चलो वहीं पर रहना, कुछ अगर कुछ नजर उजर लग गया तो झाड़ फूक भी कर देगा, और डॉक्टर तो दवाई तो चल रहा है। बड़ा भाई का जो लड़का जो है ना, वो बोल रहा था बुआ आपका ना, आप लोगों का ना, ये मतलब एक ठो भाभी थी वही मतलब गलत कर आप लोगों का साथ में और आप लोगों का पीछे में लगा हुआ है। तो हाँ बोले कैसे, तो बोला नहीं मेरा घर में एक रोज थी और रात को सोई थी उधर, वो सोई थी तो उसका बाद उसका लड़का, उसका बाद बहू, उसका बाद वो बड़ा भाई का लड़का, तो जब वो निकल रही थी ना रात को तो इसका खाट में टकराव हो गया, तो चारों खाट का पहिया गिर गया, जैसे वो टकराव के चारों पहिया गिर गया और मतलब अचानक उठ गया लड़का ठू, मतलब क्या हुआ क्या हुआ बोल के। तो उबरा वो बहुत बड़ा मतलब डाहिन है, इसलिए वही हम लोग का घर में ऐसे कर रहा है। तो उसका मतलब बोल रहा इसको अब देखिएगा एक हफ्ता के अंदर में हम उसको ख़त्म कर देंगे। भाई विश्वास नहीं कीजिएगा, मतलब वो अच्छा आदमी है, मतलब कुछ तबीयत खराब नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक हफ्ता का अंदर में उनका पायखाना हो गया, लेटरिंग हो गया और डेथ किया। मेरा भाई का लड़का, मेरा बड़ा पापा का और लड़का का लड़का, हाँ है, ज़्यादा उम्र नहीं है, मेरा उम्र है मतलब मेरा से बड़ा है वो। तो मतलब एक हफ्ता का अंदर में उनको भाई मतलब चला गया, मेरा आँख का सामने, मेरा आँख में देखे और कान में सुने जो बोला और वही बात हुआ। जो भाई का तबीयत खराब था तो हम लोग को मुँह के ऊपर में बोल देता था, मतलब अभी ये नहीं बचेगा, नहीं बचेगा बोलेगा, मेरा भाई के बारे में बोलता था ये नहीं बचेगा अभी, मतलब ये मतलब इसका डेथ होगा। तो हम बोलते थे भाई देखो डेथ हो चाहे रहे चाहे जाए, वो तो ऊपर वाला मालिक है, लेकिन हम लोग का कर्तव्य तो हम लोग को करना होगा ना, जो भी उनका दवाई फवाई जो भी हम लोग करने का सक्षम है हम लोग तो करेंगे ही। वैसे हम बोलते थे, बोला ये जो सूता नहीं है, सूता जैसे उस मतलब सूता में टांग के जैसे रखता है उसी टाइप इनका जान लटका हुआ है, ये कभी भी मतलब कट जाएगा धागा और ख़त्म हो जाएगा, मुँह का ऊपर वैसे हम लोग को बोलता था। लेकिन हम लोगों का तो वो जो गुण तो नहीं है, उसे खराब गुण जो डाहिन उन का गुण तो नहीं है, मम्मी भी नहीं जानती है, बुआ लोग भी नहीं जानती थी और हम लोग भी नहीं जानते हैं, और वो लोग वही सब गुण वो लोग सीखा है। ये भाई झूठ हम नहीं बोल रहे हैं आपको, ये वाला बात ऐसे भी दुनिया में गुणी है, भगवान एक ऊपर वाला रहता है, लेकिन उनका परिस्थिति अभी खराब खराब है बहुत। उनका दो ठो बेटा है, मतलब बड़ा बेटा तो बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन नौकरी उकरी नहीं मिला है, और मतलब ये जो बात आपको हम बोले ना मतलब सही बात, खेती बाड़ी तो था, भाई पापा का अकेले बेटा था, और ओलोंग का ना मतलब ओलोंग बड़ा पापा का चार लड़का, और चार लड़का का फिर दो ठू तीन ठू करके लड़का, तो ओलोंग का तो संपत्ति कम हो गया है ना, और हम लोग का तो मतलब एक पापा का एक बेटा है तो बहुत संपत्ति है, अगर उसी में अगर दिमाग लगाइए तो बहुत कुछ होगा। तो ओलोंग वही सबको लेके भी ओलोंग को जलन लगता था, और अभी हम लोग बात करते हैं ऊपर ऊपर लेकिन अंदर से हम लोग दोस्ती नहीं करते हैं ओलोंग का साथ में, हाँ पूजा पाठ करते हैं दोनों, उनका वाइफ भी और वो भी दोनों, रात को एक बजे निकलेगा जहाँ पर आदमी को ये गाड़ा है ना, वहाँ से क्या क्या करता है, पूजा उजा करता है। उड़ीसा में भी हाँ तंत्र मंत्र बहुत है, आप विश्वास नहीं कीजिएगा भाई, आप मतलब बोलता है ना जो स्नेक काटने से डॉक्टर का घर आप लेके आइए, लेकिन मेरा वहाँ पर जो है ना मायके में मतलब आपके मतलब कोई भी मतलब आपको स्नेक मतलब काट दे, खोरी सो चाहे कुछ भी, आप उसका वहाँ पर अगर आप पहुँचाइएगा वो आपको कुछ भी नहीं करेगा, आपको बोलेगा बैठे रुके हम उधर से आ रहे हैं, और उधर से क्या क्या करके जो आएगा आप इधर ठीक हो गया। उस एरिया में मतलब बहुत सारे आदमी जो काल पुरुषों से दीदी का एक तो दीदी जो है ना उनका गांव में, और छत्तू तो नहीं मिलता है तो मतलब लेने के लिए सुबह में निकला था, तो छत्तू में खोरिस वाला सांप जो क्या बोलता है काबरा सांप, कोबराना खोरिस बोलता नहीं ऐसे करता है जो, वो वहाँ पर था और देखा नहीं वो हड़बड़ी में ले रहा है तो उसको काट दिया। काटने का बाद में उसका बच्चा साथ में था तो वो लोग दौड़ दौड़ के घर आ गया, घर आते आते वो मतलब बेहोश हो गया,
बोल दिया बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद में क्या किया, जो दातुन होता है ना, दातुन खड़ी उसको मुंह में घुसा दिया जैसे दांत नहीं लगे, और उनको तुरंत टेम्पो में लेके उस गांव को हरोगोडा बोल के तो जगह है उस गांव को उसको लेके गया, और वहीं से वो बेचारा ठीक हो गया। ऐसे भी है, डाहिन जो बिरदा होता है ना, वो डाहिन बिरदा बहुत खतरनाक बिरदा है। जब आप मतलब डाहिन नाच के जो नाचने निकलती हैं और भोर को वो लोग मतलब घुसती है घर, उस टाइम अगर कोई रास्ता में भेटा गया तो उसको मरना ही होगा। हमको बहुत सारा पूछता है, हम लोग का आदिवासी का जो रिपोर्टर लोग है वो लोग भी पूछता है, तो हमको दुनिया के सामने में तो हम बोलते हैं जो नहीं है बोल के, है ना, लेकिन हम बाद में उनको बोलते हैं देखिए भाई हम लोग का समाज में ये सब चीज़ है और हम विश्वास नहीं करेंगे जो नहीं है बोल के। अगर बुरा चीज़ नहीं रहेगा तो हम लोग मंदिर में पूजा करने क्यों जाएंगे, हैं? हम लोग घर में हाड़िया पूजा करते हैं, हम लोग मतलब घर में धूप दिखाते हैं, कितना कुछ करते हैं। अगर बुरी चीज़ नहीं होगा तो हम लोग क्यों बोलेंगे भगवान हमको अच्छा रखिए, हमको अमुक कीजिए तो सुख कीजिए। तो बुरी चीज़ ज़रूर है तब जाके हम लोग ना उस सब चीज़ को हम लोग करते हैं, तो हम लोग को पूजा करने का भी कोई जरूरत नहीं है, धूप दिखाने का कोई जरूरत नहीं है।